एवरीवन, वेलकम टू फ्लेवर्स ऑफ माय फिंगर्स विद मी सानवी निचानी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मेरे साथ कुकिंग सीखने के लिए एकदम रेडी होंगे। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि हम घर पर रेस्टोरेंट जैसी टेस्टी एंड टेम्पटिंग स्टफ कैप्सिकम कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अपने पैन में एक चम्मच ऑयल लेंगे, तो एक पिंच हींग, एक चम्मच जीरा और थोड़ी सी कोरिएंडर लीव्स डालेंगे। और मैंने इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाली है। फिर एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच धनिया पाउडर और एक चम्मच लाल मिर्च डालेंगे। एक मिनट कुक करके इसमें एक चम्मच नमक डालेंगे। और यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के बॉइल्ड पोटैटोज लिए हैं, वो डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी आलू की स्टफिंग रेडी है। इसके बाद हम यहाँ पे पैन में मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल लेंगे एक चम्मच। और अब हमने यहाँ पे कैप्सिकम लिया है जिसके मैंने सीड्स को अंदर से रिमूव कर लिया था और एकदम खाली कर लिया था, अंदर की कैविटी, एक अंदर एक कैविटी बना ली थी। और अब हम इसे हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा नहीं करना है। हम यहाँ पे इसे 50% कुक करेंगे, 50% हम ग्रेवी में कुक करेंगे। अगर आप ग्रेवी नहीं बना रहे हैं या नहीं आप सिर्फ इसे प्लेन ऐसे ही सर्व करने वाले हैं आलू स्टफ करके, तो आप इसे थोड़ा और अच्छे से कुक करें। हमें इसे पलट पलट के करते रहना है, नहीं तो एक साइड से ही रखेंगे तो ऑब्वियस है कि वो जल जाएगा। अब देखिए, अब हम इसमें पोटैटो की फिलिंग यानी आलू की जो हमने फिलिंग बनाई थी वो अंदर अच्छे से स्टफ़ कर देंगे। अच्छे से हमें स्टफ़ करनी है। इसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा पनीर ग्रेट करेंगे। तो पनीर ग्रेट करने से पता है क्या होगा, हमारे आलूओं के ऊपर एक लेयर बन जाएगी पनीर की, जिससे क्या होगा हम जब ग्रेवी में इसे कुक करेंगे तो पनीर कैप्सिकम में से बाहर नहीं आएगा, और आलू कैप्सिकम में से बाहर नहीं आएगा पनीर की वजह से, और साथ ही साथ एक पनीर का अच्छा सा टेस्ट भी आ जाएगा। तो अब हम इसे पनीर को ग्रिल कर लेंगे ऐसे रख के, अच्छे से प्रेस कर करके करेंगे। नहीं तो हम अगर पनीर आप चाहें तो ना लगाएं तो भी चलेगा, लेकिन इस केस में फिर ऐसा हो सकता है आपकी ग्रेवी में थोड़ी सी आलू का मिक्सचर चला जाए। देखिए, अब हमने यहाँ पे ग्रेवी बनानी है, जिसके लिए यहाँ पे मैंने लिया सरसों का तेल 2 बड़े चम्मच, उसमें डाला नमक और तेल को फाड़ लिया, जीरा डाला, कसूरी मेथी डाली, हींग डाली और यहाँ पे धनिया पत्ती डाली। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला और 1/2 छोटा चम्मच काला नमक। इसे अच्छे से 1 मिनट कुक कर लेंगे। और इसके बाद हम इसमें टमाटो की प्यूरी डालेंगे। तो मैंने 4 टमाटोज़ को 8 से 10 काजू के साथ यानी कैश्यूज के साथ ग्राइंड कर लिया था। काजू यानी कैश्यू डालना ऑप्शनल है, अगर आप डालेंगे तो टेस्ट अच्छा आएगा। अब हमें इसे अच्छे से भून लेना है जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए कुछ ऐसे। तो भूनने से इसका कलर भी अच्छा होता जाएगा और ऑयल रिलीज हो जाएगा। तो जब तक एकदम पानी फिनिश ना हो जाए तब तक हमें इसे कुक करके, इसके बाद इसमें हम इसमें हंकर डालेंगे यानी टंगा हुआ दही। अब हम इसे फिर से अच्छे से कुक कर लेंगे। एक बार ये अच्छे से कुक हो जाए उसके बाद ही हम इसमें कैप्सिकम डालेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं इसमें 1/2 छोटी चम्मच चीनी डाल रही हूँ, तो उससे सब फ्लेवर्स बैलेंस हो जाते हैं। इसके बाद हमने इसमें कैप्सिकम्स डाल दिया और 10 से 15 मिनट हमने इसे ढककर पका लिया था। ये हमारी एकदम सब्जी रेडी है। ये सब्जी काफ़ी टेस्टी, काफ़ी टेम्पटिंग बनती है। आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।